नमस्कार 25 लगातार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा अमरवाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम भोकई में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। एक बजे गांव के सरपंच सचिव को यह खबर मिली कि सीताराम कनौजिया के खेत में स्थित कुएं में लाश है। ग्राम कोटवार द्वारा तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों की मदद से लाश को कुएं से बाहर निकाला गया। अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की जांच के आदेश दिए हैं। इसमें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे निर्माण में अधिग्रहण की गई किसानों की जमीन की खरीद फरोख्त में घोटाले की बू आ रही है। उनको मुआवजे की पूरी रकम नहीं दी गई। अब ये गरीब किसान सीएम योगी से अपनी गुहार लगा रहे हैं। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के ईशापुर गांव में ससुराल गए दूल्हे की हत्या जहर देकर कर दी। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि युवक की शादी 2 साल पूर्व रूबी देवी से हुआ। युवती शुरू से ही अपने मायके जाने के लिए अपने पति से झगड़ती थी। ससुराल वालों ने जहर देकर हत्या का साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को सड़क किनारे फेंक कर भाग गए, लेकिन आसपास के लोगों ने भाग रहे ससुर को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज के सामने बुधवार को एनएसयूआई ने विभिन्न मांगों को लेकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति व कॉलेज प्रबंधन का पुतला फूंका। इसके पश्चात कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महासचिव शाहिद खान व जिला छात्रा प्रमुख रेशमा खान के नेतृत्व में छात्राओं के साथ मिलकर कॉलेज के सामने चक्का जाम किया। बिहार के गया में नशे में धुत पुलिस अधिकारी ने एक शोरूम में जमकर गुंडागर्दी का नंगा नाच किया। गया के रामपुर थाना की पुलिस ने सराजपुर रोड स्थित पार्वती यामा शोरूम के मैनेजिंग डायरेक्टर को सरेआम पिटाई की। इतना ही नहीं, नशे की हालत में धुत रामपुर थाने की एसआई उत्तम कुमार ने सर्विस सेंटर में रही महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा आए। उप मुख्यमंत्री ने आगरा सर्किट हाउस में पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केशव मौर्य ने अधिकारियों को जनता के प्रति सही व्यवहार करने की नसीहत दी, साथ ही अधिकारियों के पेट भी कसे और उप मुख्यमंत्री के अधिकारियों को समय पर कार्यालय में बैठने के निर्देश दिए। कोरिया जिले के पटना थाना पुलिस ने दुकानदार की सूचना पर की एक महिला दुकान में नकली नोट चलाने की कोशिश कर रही है। महिला को थाने में लाकर महिला स्टाफ द्वारा तलाशी लिए जाने पर 4 नकली नोट उसके पास से मिले। पूछताछ कर घर की तलाशी लिए जाने पर घर में छिपाए गए 16 नकली नोट बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के बेसिक विभाग के अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बावजूद भी जिले के सरकारी प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल बैग का वितरण किया जा रहा है, जिस बैग पर बाकायदे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फोटो लगी है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अतिक्रमण के दौरान तोड़ी गई व्यापारियों की दुकान के विरोध में आज व्यापारी सड़कों पर उतर आए और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आत्मदाह करने के लिए केरोसिन लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गए और उसका घेराव भी किया। वही व्यापारियों के आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुलिस फोर्स की मदद से प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों को समझा बुझा कर शांत कराया। सीबीएसई ने 7 प्राइवेट स्कूलों के मान्यता को रद्द करने के साथ साथ 6 स्कूलों को भी डाउनग्रेड किया है। साथ ही अब तक 50 स्कूलों को सो कॉज नोटिस जारी किया है। इसमें से एक है बोकारो का डीपीएस पब्लिक स्कूल, जिस पर सीबीएसई ने सो कॉज किया है। बोकारो डीपीएस पर आरोप है कि उन्होंने ऐसा तुगलक की सर्कुलर जारी किया है और अभिभावकों पर दबाव बनाया कि वो एक खास कंपनी के महंगे जूते खरीदें और उसी दुकान से खरीदें जो स्कूल के द्वारा निर्देशित हो, चाहे वो किताब बेचने का दुकान ही क्यों न हो। रोहतास के चिनारी का शहीद कृष्ण कुमार के पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ जिला प्रशासन के देखरेख में दुर्गावती नदी के किनारे शहीद की अंत्येष्टि कर दी गई। बिहार के 6 शहीदों में रोहतास के कृष्ण कुमार पांडे ने अपनी कर्तव्य के पद पर अपने प्राणों की आहुति देकर पूरे इलाके को गौरवानुभूति दी है। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के बुर्कापाल में हुए नक्सली हमले में 25 शहीद जवानों के शव के साथ की गई अमानवीय बर्बरता के विरोध में बस्तरवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। इस घटना के विरोध में बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित दर्जन भर सामाजिक संगठनों के आह्वान पर आज सुकमा सहित संभाग के 7 जिले बंद रहे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में ऑनर किलिंग के प्रयास का मामला सामने आया है। शहर के सिंधीपुरा दुर्गा मैदान निवासी युवती से राजपुरा निवासी युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। मंगलवार रात युवती ने फोन पर युवक को मिलने के लिए बुलाया। यहां युवक पर शादी का दबाव बनाया, उसने शादी से इनकार किया तो उसे बंधक बना लिया और बाद में गोली मार दी। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर है, उसे महाराष्ट्र के जलगांव रेफर किया गया है। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक नासूर बन गया है। पिछले 12 वर्षों में 965 जवान शहीद हुए, इसके उलट 930 माओवादी मारे गए। माओवाद के खिलाफ अब सीधी लड़ाई जरूरी है, अन्यथा लाल गलियारे का लावा इसी तरह छितराते रहेगा और जवान लाल जाल में फंसे रहेंगे। बिहार के गया कोतवाली थाना क्षेत्र में तेल बीघा मोहल्ले के निवासी कृष्णा पासवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने घटना के बारे में कहा कि आत्महत्या का कारण पारिवारिक कलह बताया जाता है।
छत्तीसगढ़ के चिरमिरी क्षेत्र में गर्मी का दिन आते ही पानी की समस्या गहराने लगी है। यह ऐसा ही एक मामला चिरमिरी के छोटा बाजार क्षेत्र में देखने को मिला, जहां आज काफी संख्या में महिला और पुरुषों ने जहां से पानी की सप्लाई की जाती है वहां का घेराव किया। उनका साफ कहना था कि 3 वर्ष से पानी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, पर इसका सुध लेने वाला कोई अधिकारी नहीं है। हमने ज्ञापन के माध्यम से मुख्य प्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत कराया था, पर उनके द्वारा किसी प्रकार की समस्या का निदान नहीं किया गया। इसके कारण हम बाध्य होकर सिविल कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली मुठभेड़ में अपनी जान की आहुति देने वाला शेखपुरा का वीर रंजीत कुमार का पैतृक गांव फुलचोड़ में शहीद की अंत्येष्टि पहुंचते ही आम और खास लोगों का आने का सिलसिला जारी रहा। किसी महाकुंभ मेले से दृश्य कम नहीं था। सभी लोग अपने प्रिय वीर शहीद रंजीत कुमार का दर्शन करने के लिए उतारे थे। NSUI द्वारा संपूर्ण जिले में यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर कॉलेज बंद आंदोलन बुधवार को किया गया। इसी के अंतर्गत परासिया विधानसभा में पेचवैली महाविद्यालय खिरस डोह में भी NSUI के सदस्यों द्वारा कॉलेज बंद किया गया। NSUI के सदस्यों की मांग है कि छिंदवाड़ा जिले में यूनिवर्सिटी खोली जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में नगर निगम चुनाव को लेकर अभी से ही देशी शराब बिहार शरीफ से मंगाया जा रहा है, जिसे पुलिस ने SP कुमार आशीष के निर्देश पर मून नाइट अभियान के दौरान झारखंड से बिहार शरीफ आ रही देशी शराब को लहेरी पुलिस ने भरावपुर के पास एक बुलेरो वाहन पर लदी 620 लीटर देशी शराब के साथ एक धंधेबाज को वाहन समेत गिरफ्तार कर लिया। सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवान मनोज कुमार का शव को आज अपने पैतृक गांव निर्गाजनी में अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार की रस्म के दौरान भारतीय सेना के अंग, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अधिकारियों सहित सरकार के मंत्री सतीश महान और सुरेश राणा सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बिहार में शेखपुरा के फुलचोर गांव में 12 मई से महायज्ञ होना था। इसका आयोजनकर्ता स्वयं शहीद रंजीत कुमार ही थे। उन्होंने 11,000 रुपए यज्ञ की तैयारी को लेकर पूजा समिति को भेजा था। CRPF में तैनात रंजीत 20 अप्रैल को घराने के लिए छुट्टी का आवेदन दिए थे। 28 अप्रैल को छुट्टी स्वीकृत की गई। 28 अप्रैल को विभाग द्वारा दी गई छुट्टी कभी वापस ड्यूटी पर आने के लिए पत्र था। शहीद रंजीत कुमार पूरे गांव के लोगों के लिए काफी चहेते थे। रंजीत कुमार की शहादत को इस इलाके के लोग शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सोमवार को घात लगाकर सेना के जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 25 CRPF जवान शहीद हो गए। मिली जानकारी के अनुसार नक्सली हमलावरों में महिलाएं भी शामिल थी। शहीद के शवों के साथ अमानवीयता की सनसनीखेज बात सामने आई है। मध्य प्रदेश के सिरोज विदिशा जिले के तहसील सिरोज में मां ब्रह्मचारिणी सेवा समिति द्वारा राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं ने बताया, मानव सेवा के लिए रक्तदान महादान बहुत ही आवश्यक है और सभी को एकजुट होने के लिए ऐसी सेवाओं में आगे आना चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ मानव सेवा करना है, युवाओं को मानव कार्य में आगे आना चाहिए। औरंगाबाद पुलिस ने 2 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पहले नक्सली की गिरफ्तारी खुदवा थाना क्षेत्र से हुई, जबकि दूसरे नक्सली को पुलिस ने नबी नगर स्थित फुलवरिया के जंगलों से दबोचा है। फुलवरिया के जंगल से गिरफ्तार नक्सली को पुलिस 3 दिसंबर 2013 के दिन हुए पुलिस जीप विस्फोट कांड में तलाश रही थी। बिहार के गया में नशे में धुत पुलिस अधिकारी ने एक शोरूम में जमकर गुंडागर्दी का नंगा नाच किया। गया के रामपुर थाना की पुलिस ने सराजपुर रोड स्थित पार्वती यामा शोरूम के मैनेजिंग डायरेक्टर को सरेआम पिटाई की। इतना ही नहीं, नशे की हालत में धुत रामपुर थाने की SI उत्तम कुमार ने सर्विस सेंटर में रही महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहें INI न्यूज के साथ। नमस्कार।